आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अपने कुदरती हुस्न और खूबसूरत लैंडस्केप की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ऐसा मुल्क जिसका जमीनी बॉर्डर किसी भी मुल्क से नहीं मिलता और इसको दुनिया का सबसे पुराना मुल्क तसव्वुर किया जाता है, जहाँ तक के इस मुल्क के पास अपनी फौज तक नहीं। आज हम सैर करने जा रहे हैं शुमाल मगरबी यूरोप के मुल्क आइसलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको आइसलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि ऐसा क्या है इस मुल्क में जो हजारों लोग हर साल इस मुल्क में विजिट करने के लिए आते हैं, जहां आइसलैंड यूरोप के मुल्कों में ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है। अगर ऐसा है तो इस मुल्क की तरक्की का राज क्या है और इस मुल्क के खूबसूरत मकाम को भी एक्सप्लोर करेंगे। आइए अब इस खूबसूरत मुल्क के बारे में जानें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट इरशाद रहमान और आप देख रहे हैं इरशाद इन्फो। इस मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। ये एक जजीरा नुमा मुल्क है। आइसलैंड दुनिया का 18वां और यूरोप का ब्रिटानिया के बाद दूसरा बड़ा जजीरा है। आइसलैंड की कुल आबादी 376,500 अफराद पर मुश्तमिल है। क्योंकि ये आबादी के लिहाज से 180 नंबर पर आता है, आइसलैंड में 95% आबादी शहरों और 5% आबादी गांव में रहती है और इसका कुल रकबा 103,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो कि रकबे के लिहाज से दुनिया में 198 नंबर पर आता है। ये छोटा सा मुल्क अपनी इकोनॉमी की वजह से दुनिया में 13वें नंबर पर आता है। ये मुल्क इतना ठंडा है कि गर्मियों में भी इसका बेशतर हिस्सा बर्फ से ढका रहता है, शायद इसी वजह से इसका नाम आइसलैंड रखा गया है। खूबसूरत बर्फीली आबशारें, मंजिबत दरिया और सफेद पहाड़ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देती हैं। लेकिन मैं आप बताती चलूं, ये अल्लाह की तरफ कुदरत है। ये इस आइसलैंड की सरजमीन के बीचों बीच गर्म पानी के चश्मे उबलते नजर आएंगे। बहुत से पहाड़ों में और मैदानी इलाकों में ये चश्मे आपको अक्सर देखने को मिलेंगे, जिनमें पानी धुआंदार और खुलता हुआ होता है। आइसलैंड का दारुलहुकूमत रुकजाविक है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज रखता है। इस शहर का कुल रकबा 273 मुरब्बा किलोमीटर है। इस शहर की कुल आबादी 139,875 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आइसलैंड का एक प्लान मेट्रो सिटी है। इसमें सैकड़ों आतिशीशा पहाड़ भी मौजूद हैं, जो सारा साल आग उगलते रहते हैं। मुल्क में हर साल कोई न कोई आतिशीशा पहाड़ फटता है। आतिशीशा की वजह से सारा साल जल्जले आते रहते हैं, लेकिन अब तक ऐसा जल्जला नोट नहीं किया गया जिससे मुल्क में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ हो। सर्दियों में इतनी बर्फबारी होती है कि कई दिन सूरज नजर नहीं आता। बर्फबारी की वजह से इंतजाम जिंदगी बहुत ज्यादा मुतासिर होती है। जगह जगह गाड़ियां बर्फों से डसी नजर आएंगी। इन दिनों लोग सफर करने से बहुत गुरेज करते हैं। बर्फबारी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दी जाती हैं और बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। बिल्कुल इसी दौरान जॉब्स करने वाले हजरात भी घर में ही बैठकर ऑनलाइन वर्क करते हैं। इस मुल्क का 86% हिस्सा आइसलैंडिक लोगों पर मुश्तमिल है, 6% पोलिश, 1% यूथियन और बाकी फीसद दूसरी कौमों के लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ के लोग इंतहाई खुशहाल है। इस मुल्क को नॉर्वे के बहरी कजाकों ने 870 में आबाद किया था, तब से लेकर आज तक यह खत्ता आबाद है। आइसलैंड में आपको सब्जा दूसरे मुल्कों के निस्बत कम नजर आएगा। इसकी बड़ी वजह ज्यादा बर्फबारी और आतिशीशा पहाड़ है। ये इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। हर साल लाखों लोग अमेरिका और यूरोप से विजिट करने आते हैं। टूरिस्ट इस मुल्क की मार्शियत का बहुत बड़ा सहारा है। इस मुल्क में क्राइम रेट 0% है। ये मुल्क इंतहाई सेफ है। लोग एक दूसरे का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। इस मुल्क में ना तो आर्मी, ना नेवी और ना एयरफोर्स है, सिर्फ और सिर्फ पुलिस है और वो भी चंद हजार की तादाद में। यहाँ पर पुलिस अपनी जिंदगी को एंजॉय करती है। हफ्ता और इतवार को पुलिस भी छुट्टी करती है, जिसकी वजह से आरामदेह नौकरी है। आइसलैंड की हुकूमत पूरे मुल्क के रिहायशी एरियाज में गर्म पानी पाइपों के जरिए गर्म पानी के चश्मों से हासिल करके रिहायशी एरियाज तक पहुंचाती है। ये पाइपलाइन अंडरग्राउंड होती है। इस मुल्क में बिजली भी पानी से ही तैयार की जाती है। पूरे मुल्क में टूरिस्ट की वजह से हॉस्टल और रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा काम है। यहाँ फाशी आम है। गर्म पानी के चश्मे ऐसे भी हैं जहाँ लोग नहाते हैं। मुल्क में शराब इतनी आम है जैसे गर्म पानी। एक तरह से ये कहा जाए कि शराब गर्म पानी से ज्यादा पी जाती है। आइसलैंड में गर्म खुराक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। खास तौर पर ये सूरज का गोश्त ज्यादा इस्तेमाल में होता है। साथ शराब, यहाँ के लोग काफी बहुत ज्यादा पीते हैं। कॉफी शॉप पर अक्सर लोगों का हजूम रहता है। यहाँ का कौमी खाना स्टीम खेवड़ी बकरे की सीरी है, इसे ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। इसको आइसलैंडिक जबान में हर खारोल कहा जाता है।
अगर हम बात करें यहाँ के लोगों के मजहब के बारे में, 72.4% क्रिश्चियन सबसे ज्यादा है, 8.5% आस्ट्रो, 25.2% ऐसे लोग जिनका कोई मजहब नहीं, बाकी 9.0% ऐसे लोग हैं जो दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ 30,000 के करीब मुसलमान भी आबाद हैं। आइसलैंड में लिटरेटी रेट 100% है, जहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं और हफ्ते में 45 घंटे काम करते हैं। यही वजह है कि यहाँ वर्किंग आवर्स दूसरे मुल्कों से ज्यादा है। यहाँ के लोग खेलों के बहुत शौकीन हैं। यहाँ के लोगों को घुड़सवारी बहुत पसंद है। यहाँ के लोग कोका कोला बहुत ज्यादा पीते हैं। और यहाँ आइसलैंड में मैकडॉनल्ड्स का एक भी होटल नहीं। आइसलैंड में आइसलैंडिक जबान बोली जाती है, ये इनकी कौमी जबान है। ये जबान कदीम जर्मन जबान से मिलती जुलती है, या इंग्लिश भी बोली जाती है। 98% लोग इंग्लिश बोलते और समझते हैं। इस मुल्क की करेंसी करोना है। 1 करोना पाकिस्तानी 2.03 रुपए के बराबर है। आइसलैंड की फिक्स आमदनी $73,784 है। पाकिस्तानी 2,05,44,455 रुपए बनते हैं। यहाँ तालीम बिल्कुल फ्री है और सालाना वजीफा भी लिया जाता है और हेल्थ की सहूलत भी मौजूद है जो कि फ्री दी जाती है। मेडिसिन भी फ्री मिलती है। लोग सफाई का खास ख्याल रखते हैं। आइसलैंड में आपको कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा। ये मुल्क इंतहाई साफ सुथरा है, इसलिए इसको यूरोप का खूबसूरत तरीन मुल्क कहा जाता है। आइसलैंड दुनिया में 8वां महंगा तरीन मुल्क है। यहाँ रिहाइश, खाना पीना और ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा महंगी है। यहाँ तक के ये मुल्क US के मुकाबले में 15.8% ज्यादा महंगा है। आइसलैंड में वैसे तो 13 के करीब एयरपोर्ट है, लेकिन कैटलेविक इस मुल्क का मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रेन बर्फ को साइडों पर फेंकती हुई चलती है तो ऐसा नजारा क्रिएट होता है जैसे कैमरे की आंखों बंद करने के लिए हजारों टूरिस्ट खड़े होते हैं। ये खूबसूरत मगर थोड़ा सा खौफनाक मंजर लगता है। ट्रेन का सफर बहुत आरामदेह होता है। लोग बहुत शौक से ट्रेन का सफर करते हैं। जब सर्दियाँ आती हैं तो गाड़ियों के टायर तब्दील किए जाते हैं और सर्दियों के टायर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियाँ बर्फ पर बआसानी चल सकती हैं। लोगों को घर गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल तौर पर दिए जाते हैं। यहाँ तक के ऑल पीपल को महाना वजीफा भी दिया जाता है, जिससे इनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छे तरीके से हो जाता है। पूरे मुल्क में पहाड़ और मैदानी इलाके नजर आएंगे। मुल्क के चारों तरफ समंदर है। लोग गर्मियों में समंदर का रुख भी करते हैं। यहाँ घोड़ों को शौक से पाला जाता है। गर्मियों और सर्दियों में ये घोड़े रक्स करते नजर आएंगे। गर्मियों में ये मुल्क सरसब्ज हो जाता है। लोग मौसम को खूब इंजॉय करते हैं। आइसलैंड का कौमी परिंदा ग्रे फैल्कन है। यहाँ के लोग इंतहाई मिलनसार और खुश अखलाक हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहने का शुक्रिया। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें।